अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मेरे से फरमाइश की है किसी ने मिल्क शेक की, क्योंकि हम मेरी छोटी बहन ने फरमाइश की है, क्योंकि ये रोज़ों में पेपर दे के पढ़ाई करके हम पे आसान करी है, तो इसने मुझे कहा है कि इसको मैं मिल्क शेक बना के दूँ इफ्तारी में। तो हम जा रहे हैं इसके मिल्क शेक का सामान लेने के लिए, आइसक्रीम एंड कुकीज़, तो अल्लाह करे आज अच्छा बन जाए सीन। और इस मंज़र में ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप तब होते हैं जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कौन सा फ्लेवर लेना है। और रमज़ान में इतने मज़े का माहौल बना हुआ होता है कि जब आप असर के टाइम पे बाहर निकलते हैं तो सारे अंकल्स और आंटीज वॉक करने बाहर निकले हुए होते हैं। खैर, घर आके हमने डिसाइड किया कि अभी हम चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक बनाएंगे। तैयारी शुरू कर दी। आई यूज्ड फ्लेवर्ड मिल्क, आप लोग कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट बिग ऑफ अ डील। और उसके बाद हमने जो बिस्किट्स लाए थे ओरियोज, जैसे हम क्रीम अलग कर लेंगे और बिस्किट्स अलग कर लेंगे, और उसका रीज़न ये है कि जो इसके कुकीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क ऐड करेंगे, जो क्रीम हमने कुकीज़ में से अलग की थी हम वो ऐड करेंगे। एक चम्मच चीनी बिल्कुल अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करें, ज़्यादा मीठा नहीं पिया जाता। उसके बाद हम ऐड करेंगे क्रीम, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ऐड, वरना कोई मसला नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। और दूध, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मीठा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा हम इसको एक ग्लास में अलग कर लेंगे, और जो कुकीज़ हमने क्रीम और कुकीज़ अलग की थी हम वो मैश करेंगे, ग्राइंड करेंगे बेसिकली। काम पाउडर बना लेंगे, जिसमें आपकी वैन बहुत ख़राब है, ये काम मेरे से नहीं हो रहा था। पाउडर्ड फॉर्म में हो जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, और पर्सनल चॉइस है कि मुझे ये दूध के अंदर अच्छा नहीं लगता, मुझे ऊपर स्प्रिंकल हुआ हुआ अच्छा लगता है। तो अगर आपको साथ मिक्स करना है आप कर सकते हैं। बहन की फरमाइश तो पूरी कर दी है, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अफ्तारी में मिल्क शेक कौन पीता है भाई। तो भाई, आज जुम्मे का दिन है, मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखना। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।